जिम्मेदारी तो नई नई भाई जा रही है और बीच में पेट्रोल पंप और मशीनें बंद कर दी जा रही है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। ये आपको अभी नहीं करना था, अगर आपको करना ही था तो न्यू ईयर या तो पब्लिक को थोड़ा सा फ्रेश हो जाने देते फिर आप करते, तो उससे क्या थोड़ा वो रहता, अब तनाव की स्थिति है, आधा दिन तो चला गया, आधा दिन बचा आपके पास। संशोधन जो है वो बहुत सोची समझी प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया है, उसके दुष्परिणाम है अपने आप में। के पीछे और विचार विमर्श की आवश्यकता थी और गहरी सोच की आवश्यकता थी, न्यायविदों के राय की आवश्यकता थी, उसके पश्चात ये किया जाना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स टैंकर ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और इससे पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप हो गई है। जबलपुर के अधिकांश पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है और जहाँ थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है वहाँ भीड़ कैसी उमड़ रही है ये आपको मैं दिखाता हूँ। इस वक्त मैं जबलपुर के एक निजी पेट्रोल पंप में यहाँ मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जो हैं वो कतारों पर लगे हुए हैं, घंटों तक उन्हें कतारों पर लगना पड़ रहा है। वजह यही है कि सिर्फ इक्का दुक्का पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर पेट्रोल का स्टॉक जो है वो बचा हुआ है और ऐसे में अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए लोग इस तरह से कतारों में लगने को मजबूर हैं और चूँकि सबकी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उन्हें घरों से निकलना है, अपने काम पर जाना है। आज मंडे का दिन है, आज सोमवार का दिन है और क्या स्थिति बन रही है? सर मैं कल से था, कल मुझे 3 घंटे में लाइन में लगा कटंगा में, लेकिन कल भी मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला, पेट्रोल नहीं मिला और आज अभी 2 घंटे खड़ा रहा तब जाके मिला और देते नहीं है, इधर से उधर हो जाते हैं एम्प्लॉय भी यहाँ के। तो मेरी मैनेजर से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर पब्लिक की मतलब समस्या समझे भाई, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, कोई बीमार है, किसी का कुछ है, किसी काम में जाना है तो पेट्रोल मतलब अवेलेबल कराइए, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी आपको क्या लगता है, जिम्मेदारी निभाई जा रही है? सही जिम्मेदारी तो नहीं निभाई जा रही है और बीच में पेट्रोल पंप और मशीनें बंद कर दी जा रही है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। लोगों को समस्या हो रही है और ये दृश्य देखकर आप समझ भी सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बच्चे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्थिति बन रही है? अरे भैया बहुत परेशान है हम लोग, पेट्रोल नहीं मिल रहा, भीड़ लगी है, क्या करो, बहुत परेशान है। सरकार से निवेदन भाई जैसा हड़ताल अच्छा हो सब सही हो। ये लोग चाहते हैं कि हड़ताल जो है वो खत्म होनी चाहिए और आप देखेंगे कि न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिसकर्मी भी जिन्हें जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है उन्हें भी ऐसे घंटों तक कतार में लगना पड़ रहा है। मैडम आप बताइए कि जो स्थितियां हैं क्या कहेंगे आप कब से लगे हुए हैं कतार में? बहुत देर से लगे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये आपको अभी नहीं करना था, अगर आपको करना ही था तो न्यू ईयर या तो पब्लिक को थोड़ा सा फ्रेश हो जाने देते फिर आप करते, तो उससे क्या थोड़ा वो रहता, अब तनाव की स्थिति है, आधा दिन तो चला गया, आधा दिन बचा आपके पास, 2 बजे तक इंसान यहीं खड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा आप सरकार को करना चाहिए, लेकिन अब कौन करेगा, जनता ही कुछ नहीं कर रही, जनता करेगी? अभी यहाँ पे विवाद होने लगे या पुलिस वाले जनता को मारेगी, और जनता की इसमें कोई गलती नहीं, आप देखें तो जनता की इसमें कहीं गलती नहीं है, वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। जनता की क्या गलती है, जनता तो पिस रही है हड़ताल पर, जब जब कोई हड़ताल होती है तो पिसना तो जनता को ही पड़ता है। नहीं, हड़ताल के पीछे मुद्दा है संशोधन, और संशोधन जो है वो बहुत सोची समझी प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया है, उसके दुष्परिणाम है अपने आप में, जिसको सरकार ने हो सकता है नज़रअंदाज किया हो, क्योंकि किसी ड्राइवर के ऊपर ये पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन अगर आप उसको सजा के दायरे में ला दिए तो लोग न जाने कितने फर्जी मुकदमे ऐसे आते न्यायालयों में, जहां फर्जी गाड़ियों के नंबर लिखाए जाते हैं जिसमें ड्राइवर का कोई दोष नहीं होता, और अगर इस प्रकार की सज़ा होगी तो CRPC या दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड विधान की जो व्यवस्था है उसके विपरीत सरकार का ये संशोधन। तो आपको लगता है कि बहुत तैयारी और की जानी थी संशोधन? संशोधन के पीछे और विचार विमर्श की आवश्यकता थी और गहरी सोच की आवश्यकता थी, न्यायविदों के राय की आवश्यकता थी, उसके पश्चात ये किया जाना चाहिए, उसके बाद ही ये काम किया जाना था। तो देखिए तमाम जागरूक लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन आम जनता है जबलपुर की, वो ये आम जनता है जो रोज़मर्रा के कामों के लिए घर से निकलती है और जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल अगर मुहैया नहीं होगा तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं ठप होनी पड़ेगी, और आप लोगों को भी बहुत जिम्मेदारी आ रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। जी सर। तो कब से कितना स्टॉक है यहाँ पर अभी? अभी तो चल जाएगा शाम। आप बताइए कितना स्टॉक है अभी? 7,000 लीटर अभी। बाकी सभी पेट्रोल पंप सूखे पड़े हुए हैं, ताले लग गए, आपूर्ति बहाल होने की कोई बातचीत हो पाई है? हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पेट्रोल पंप जहाँ पर हैं वहाँ के मैनेजर भी यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि प्रयास उनका भी है कि जो स्टॉक है वो बनाए रखा जाए,
आपूर्ति की जाए, लेकिन अधिकांश पेट्रोल पंप जो हैं वहाँ पर हड़ताल की वजह से, ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल डीजल नहीं पहुँच पाया है और हालात इसी तरह से हैं। इक्का दुक्का जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ जनता इस तरह से पेट्रोल भरवाने के लिए परेशान हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है। और देखना होगा कि हड़ताल कब तक खत्म होती है, सरकार क्या सख्त कदम हड़ताल को खत्म करने के लिए उठाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।